हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो फोकस क्लास पे आज फिर से हम फोकस करने जा रहे हैं। किस पर? लाइफ के प्रोसेस पर। लाइफ में हम क्या क्या करते हैं, हम यानी कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी सोशल साइट्स चलाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं दोस्तों से बात कर रहे हैं। हम इससे मतलब नहीं है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो हम बात करेंगे बायोलॉजी के लैंग्वेज में। तो बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, हम लाइफ में क्या क्या करते हैं। न्यूट्रिशंस लेते हैं, रेस्पिरेशंस करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे प्रोसेस क्या हैं? लाइफ के प्रोसेस के हैं, तो इसलिए हमने बोला लाइफ प्रोसेस। अब इसमें क्या है, लाइफ प्रोसेस में एक बार हम कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ के आए हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कितने तरह का था, आप आंसर करेंगे, मैं आपसे पूछूंगी। इससे क्या हमारा ना एक लिंक बन के चलेगा, लिंक इन द सेंस हम ना रिकॉल करके चलेंगे ना, तो आज की जो क्लास है वो भी आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि एक बार ना आपका रिकॉल हो जाएगा कि आप लास्ट क्लास में क्या पढ़ के आए हैं। क्योंकि इतना तो पता है, क्लास देखने के बाद इतना टाइम किसी को नहीं मिला होगा कि दोबारा जाके अपनी कॉपी एक बार देखें कि क्या पढ़ा था, कोई नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें क्या, एक बार हम रिकॉल करेंगे, बहुत जल्दी से रिकॉल करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम खाना ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसे बोला हमने न्यूट्रिशन। अब खाना हम किस तरीके से ले सकते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो किस तरीके से ले रहे हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है बताइए आप? ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपने खाने के लिए खुद पर डिपेंड रह सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक। सेकंड है हीटरोट्रॉफिक। तो हीटरोट्रॉफिक क्या है, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मतलब हम भी रहते हैं अपनी मम्मी पे, तो अपने पेरेंट्स पे, कैसे, पापा कमा के लाएंगे तभी तो खाना आएगा, मम्मी बनाएंगी तभी तो खाएंगी, ऐसे ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम अभी इस पे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम जो खाना ले रहे हैं, हमारा खाना आ कहाँ से रहा है। तो हमारा खाना प्लांट से, एनिमल से आ रहा है, और जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि जो हमारा खाना क्या, भैया किचन सब्जियाँ आ गई और किचन में गए, गैस ऑन की, आपने बनाना स्टार्ट किया, हम तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे बना रहे हैं? तो इसके लिए प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, आप सब क्लास 8 से पढ़ के आ रहे होंगे, तो फोटोसिंथेसिस है क्या, आप इसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी आई थिंक, और रिएक्शन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको, हमें भी तो पता चले कि आप क्लास 10th में आ गए हैं और आपको कितना याद है और आपके साथ कितनी मेहनत करनी है, ये भी पता चल जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंट में, कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि क्लोरोफिल किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट और क्या, सनलाइट हो, और क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इनको, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या सब्सटेंस है, वो है हमारी CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन वी गेट स्टार्च एंड एनी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना ओन फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, किससे, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल को आप अंडरलाइन करें, CO2 एंड वाटर को अंडरलाइन करें, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये सब, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। आप ना अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कोशिश करना उन वर्ड्स को ब्रेक करके देखो, वर्ड को ब्रेक करोगे ना तो आपको खुद कहीं ना कहीं उसका सेंस समझ में आएगा। जैसे ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब था सेल्फ, ट्रॉफिक यानी कि प्रोवाइड करना, हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। हीटरोट्रॉफिक हम प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड होकर कर रहे हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी कि सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, सिंथेसिस यानी कि बनना। तो ये क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन ऑब्टेन देयर ऑन फूड इन द ऑब्टेन देयर ऑन फूड इन द विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है,
देखो, अगर फोटोसिंथेसिस कभी भी आता है तो बिना रिएक्शन के हम नहीं छोड़ेंगे। अगर दो नंबर का है ना आपका ये फोटोसिंथेसिस पूछा जा रहा, अगर आपने रिएक्शन नहीं दिखी तो मान लो आपका एक नंबर या आधा नंबर कट गया, क्योंकि एक नंबर की आपकी ये डेफिनेशन, आधा मतलब पूरा जो वर्ड बनता है ना हमारा, ये हमारी एक नंबर की बनती है पूरी, ठीक है। तो एक नंबर की डेफिनेशन और आधे नंबर की रिएक्शन, और आधा नंबर का होता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस किस जगह पर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये भी देखना है। तो हमारा यहाँ से लेके पूरा बनता है एटलीस्ट दो नंबर या तीन नंबर का क्वेश्चन। और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इसी को और ब्रीफ में लिख सकते हैं। तो देखो, 6 CO2 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल गए, 6। यहाँ पे आप, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में लिखना है ना, अगर आपके पास टाइम है, मतलब आपका डिपेंड करता है कि आपका कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। अगर ज़्यादा में पूछा जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिख दो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे लिख दो वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ये हमारा क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बोल सकते हैं या फिर हम इसे स्टार्च भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज बनता है जो आगे कन्वर्ट होकर स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर होता है प्लांट में, एंड 6 CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल या एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब इसके बाद प्लांट्स में ये प्रोसेस हो तो गया, क्या आपने, आपको पता है कि ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, मतलब नहीं समझ में आया ना, मतलब प्लांट की स्टेम में होता है, रूट में होता है, लीफ में होता है, बर्ड्स में होता है, फ्लावर में होता, होता कहाँ है, कभी कोशिश की जानने की। ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, आप खुद बताओ, प्लांट में ग्रीन पार्ट है कौन सा, लीफ है, ऑब्वियसली लीफ में होगा ना। तो यहाँ पे हमारा मेन क्या था, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या, लीफ होगी, तो ग्रीन पार्ट लीफ होगी या फिर स्टेम हो सकती है, तो वहाँ पर होगा ये फॉर्मेशन। तो स्टोमेटा, इसमें एक प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करेंगे, स्टोमेटा होते क्या हैं, पहले आर्टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, दे आर द पिनी पोर्स, ये छोटे छोटे से ना छेद होते हैं जो लीफ होती है उसके सरफेस पे, इन्हें बोलते हैं हम स्टोमेटा। दे आर द टिनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज नॉन एज स्टोमेटा। एंड इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं स्टोमेटा, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हेल्प कर रहे हैं गैस के एक्सचेंज को, कौन सी गैस, CO2 एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना, और लेते क्या है, CO2। तो ये हमारे, ये क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके लिए, कहाँ से कर रहे हैं, स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या, छोटे छोटे से छेद हैं, टिनी पोर्स हैं, और यही हमारे फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में भी तो भाई हमें चाहिए ना कार्बोहाइड्रेट, तो हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, स्टोमेटा से मिलेगी ना, स्टोमेटा ही तो छोटे छोटे छेद हैं जहाँ से हम मिलेंगी। अच्छा, हम ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, ऑब्वियसली नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं ना, क्योंकि नॉस्ट्रिल से हमारे अंदर पोर्स हैं, या फिर हमारे स्किन्स के जो पोर्स होते हैं हम उनसे ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये कहाँ से ले रहे हैं, स्टोमेटा से ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करेंगे, वाटर का लॉस भी करेंगे, वाटर बैलेंस बना के रखेंगे प्लांट्स में। हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी को नहीं पता, तुम्हारे पापा ने आज पानी डाला प्लांट्स में, तो मैं भैया शौक है गार्डनिंग करने का, तुमने भी आके और पानी डाल दिया, तो प्लांट्स में क्या पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया, तो वो पानी क्या करेंगे, अपनी जो लीफ होती है ना उनमें स्टोमेटा होते हैं, उनके पोर्स के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। इससे क्या, उनकी जो बॉडी है प्लांट्स में, जो वाटर का बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन, आप याद रख सकते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या तो होती है, स्टोमेटा में प्रेजेंट होती हैं। ये करती क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड क्या है, जैसे कि हम जानते हैं ना कि भाई ये किसका गार्ड है, गार्ड यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर रहा है, किसकी, स्टोमेटा की, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर फ्लो इन, अब ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इसका फंक्शन भी देखते हैं। अगर हमारी, इसका पहले डायग्राम देखते हैं, उसके बाद आपको ये दोनों वर्ड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लाइक ये क्या है, हमारी स्टोमेटा सेल है, स्टोमेटा में ये इसका पोर है, इसे बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर, आई थिंक बहुत छोटा लिखा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ वॉक्यूल प्रेजेंट, प्लांट है तो वॉक्यूल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट का मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है।
और ये क्या है, इनकी गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये वाली इनकी गार्ड सेल्स हैं। ये करेंगे क्या, जब हमारी इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर जब पानी जाएगा तो स्टोमेटा क्या करेंगे, पानी ऊपर से डाल लें, ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन की और सेल कैसी होगी, फूल जाएगी। आपके पास बलून है, आप बलून में क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, या फिर उसमें क्या कर रहे हैं आप, हवा भर रहे हैं। जब आप हवा बाहर से अंदर भरेंगे तो उसका छेद जब खुल जाएगा, ऑब्वियसली खुलेगा, खुलने के बाद बलून क्या करेगा, फूल जाएगा ना। तो उसी तरह से स्टोमेटा सेल है, इसमें क्या करेंगे, जब वाटर इसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर गया, तो सेल क्या करेगी, इसका जो ओपन स्टोमेटा पोर है वो ओपन होगा। ओपन होने की वजह से जो ये सेल्स हैं वो क्या करेंगी, स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी। और अगर इसी का हम रिवर्स करें, तो अगर वाटर हम बाहर निकाल दें इसके स्टोमेटा से, तो ये क्या करेंगी, इसका स्टोमेटा पोर क्लोज कर जाएगा, गार्ड सेल्स भी क्लोज कर जाएंगी, जिसकी वजह से सेल क्या, श्रिंक कर जाएंगे, पिचक जाएगी। तो ये किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का, ये आप याद रखना है। अब इसके बाद है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका हो रहा है, हीटरोट्रॉफिक, यानी कि अब आ गए हम अपने ऊपर, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं। तो ये तीन तरह का होता है, फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक, सेकंड है पैरासाइटिक, एंड थर्ड है होलोजॉइक। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है, फिर पैरासाइटिक क्या होता है, एंड होलोजॉइक क्या होता है। तो इसमें क्या, सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी डेड या फिर डिके ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये क्या, डेड यानी कि मरे हुए, डिकेइंग यानी कि सड़े हुए, तो ये किससे कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी मतलब लाइक एनिमल है, वो मर जाता है, या फिर कोई पेड़ पौधे वगैरह की पत्तियां सड़ जाती हैं बुरी तरीके से, वहाँ से अगर प्रोवाइड कर रहे हैं अपना खाना, तो उन्हें बोलेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई आपको पता होगा, ब्रेड जो बनता है ना, जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड पे क्या फंगस सड़ने लग जाती है, और जो आपकी वाइन वगैरह बनती है ना, मतलब जो आपकी अल्कोहल बनती है, वो भी इसी तरीके से बनती है। ग्रेप्स वगैरह को बहुत ज़्यादा सड़ाते जाते हैं, उन पे फंगस वगैरह ग्रो करती जाएगी और उससे वो उतनी अच्छी बनेगी। तो ये क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डेड एंड डिकेइंग पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो होला सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल है इसका फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेकेंड है पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में क्या क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड सिंथेसाइज बाय अदर। ये अपना फूड ले रहे हैं किससे, जो अदर अपने एनिमल्स अपना खुद का बना रहे हैं और जाके उनका छीन के खाया है, तो ये क्या हुआ, पैरासाइटिक। एग्जाम्पल है इसका कसकटा। कसकटा एक प्लांट है जो अपना खाना दूसरे एनिमल से लेता है। सेकंड है राउंड वॉर्म, जो एक तरह का एनिमल है, ये भी अपना खाना दूसरे एनिमल का चुराता है, मतलब ये क्या, चोर है, ठीक है। सेकेंड है होलोजॉइक। होलोजॉइक क्या, ऑब्टेन बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन। ये अपना खाना लेते हैं कैसे, ऑर्गेनिक मैटर से। कौन सा ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, तो भाई यहाँ भी आया था, तो ये कैसा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन। इंजेशन क्या है, एग्जाम्पल पहले देख लो, अमीबा एंड ह्यूमन। तो अमीबा और ह्यूमन क्या करते हैं, खाना लेते हो, जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप मुँह तक लेके आए, इसे बोलते हैं इंजेशन। तो अब आप जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे, आपको तीनों समझ में आ गए होंगे आई थिंक। फोटोसिंथेसिस में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा शायद, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजॉइक क्या है, इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे आपका, हाँ, एनसीईआरटी में अमीबा और पैरामीशियम वगैरह का दिया है, एक बार वो देख लेंगे कि वो किस तरह से अपना खाना लेते हैं। अमीबा क्या है, एक इरेगुलर शेप होती है लाइक ऐसे, चलो कल ही देखते हैं इसको। वो अपना खाना कैप्चर करती है, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर उसको इंजेक्शन कर लेती है, उसको ब्रांचेस के थ्रू अपने अंदर ले लेती है और उसको अपना खाना खा लेती है इस तरीके से। ह्यूमन क्या करते हैं, खाना बनाया उसके बाद अपने माउथ में लेके उसका बाकी का पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये होता है ह्यूमन का, और पैरामीशियम का भी हम देखेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप ना धीरे धीरे से रिदम बना के चलो, आज थोड़ा, कल हमने थोड़ा कम पढ़ा, आज थोड़ा और बेटर किया, अब नेक्स्ट हम ना टाइम पीरियड भी बढ़ाते जाएंगे, आपकी क्लासेस भी अच्छे से हो, लेकिन इतना भी टाइम नहीं रखना कि आप एकदम से बोर हो जाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर बहुत जल्दी में कंप्लीट कराना है तो ऐसा भी हो सकता है, आप बता सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छे से, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आई प्लीज़
लाइक कर सकते हैं एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।